हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू किसू किचन। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ पनीर दम बिरयानी की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी बना है और इसका जो मेथड है वो बहुत ही सिंपल है। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। बिरयानी बनाने के लिए हमने यहाँ लिया है 1/2 kg बासमती राइस, जिसको हमने 1 से 2 बार अच्छे से वाश किया हुआ है। आप राइस कोई भी ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। ये ज़रूरी नहीं कि बिरयानी हमेशा बासमती राइस में ही बनता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 ग्लास के करीब में पानी। और 1/2 घंटे के लिए इसे सूख होने देंगे। वेजिटेबल्स में हमने यहाँ लिया है थोड़ा सा मिंट लीव्स, रफली चॉप्ड कैरेट, बीन्स, कैप्सिकम, टोमेटो, कोरिएंडर लीव्स, 200 ग्राम करीब में पनीर क्यूब्स और सारी सब्जियों को हमने रफली चॉप्ड किया है। अब हम सब्जियों का मैरिनेशन करेंगे। इसके लिए हम एक बोल लेंगे और उसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून के करीब में कर्ड। कर्ड आप फ्रेश यूज करें। 2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून बिरयानी मसाला, 1 टीस्पून पेपर्स पाउडर, 1 टीस्पून क्यूमिन सीड पाउडर, गार्लिक जिंजर पेस्ट। 1 टीस्पून के करीब हम इसमें डाल रहे हैं कोरिएंडर और मिंट लीफ का पेस्ट। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें। अब हम इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस। और इसे हम मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे वेजिटेबल्स, बीन्स, कैप्सिकम, कैरेट, टोमेटो, पनीर क्यूब्स और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि मसाला का जो कोटिंग है वो सब्जियों पर अच्छे से हो सके। आप चाहें तो अपने मनपसंद के और भी वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर सकते हैं। हमने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसको 30 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि यह अच्छे से सेट हो जाए। अब हम बिरयानी के लिए राइस बनाएंगे। इसके लिए हमने पानी को पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। पानी जो है हल्का गुनगुना हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ खड़े मसाले लाइक दालचीनी, इलायची एंड चक्रफूल। अब हम इसमें ऐड करेंगे सोक्ड किया हुआ राइस। थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा घी और इसे मिक्स करेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे हम 80% ही कुक करेंगे। आप जो नॉर्मल डेली राइस बनाते हैं उससे थोड़ा कम इसको कुक करें। तो राइस जो है वो कुक हो चुका है। आप देख सकते हैं हमने इसे ओवर कुक नहीं किया है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ड्रेन कर लेंगे। अब हम एक पैन लेंगे और उसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून के करीब में ऑयल। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा काजू और इसे लो फ्लेम पे रोस्ट करेंगे। काजू रोस्ट हो चुका है, इसे हम पैन से बाहर कर लेंगे। अब सेम पैन में डालेंगे हम 2 टेबल स्पून के करीब में और ऑयल।
अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑनियन, हाफ टी स्पून के करीब हम इसमें ऐड कर रहे हैं नमक। नमक डालने से ऑनियन जो है वो बहुत ही अच्छे से फ्राई होता है और क्रिस्पी होता है। अब हम इस ऑनियन को कंटिन्यू चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे पूरी तरह से क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। ऑनियन जो है वो बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसे अब हम पैन से बाहर कर लेंगे। अब हम एक दूसरा पैन लेंगे जिसमें हमें बिरयानी बनाना है और इसमें डालेंगे ऑयल। हम उसी ऑयल का यूज कर रहे हैं जिसमें हमने ऑनियन को फ्राई किया था। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे घी, पिंच ऑफ जीरा और इसे रोस्ट होने देंगे। जीरा रोस्ट हो चुका, अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑनियन। और इसको हम सॉटे होने देंगे। ऑनियन सॉटे हो चुका, अब हम इसमें ऐड करेंगे मैरिनेट किया हुआ वेजिटेबल्स, थोड़ा सा पानी और इसे मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इसे 5 से 6 मिनट के लिए कुक होने देंगे। सब्जी जो है वो कुक हो चुका है, हमने इसे ओवर कुक नहीं किया है और ना ही हमने इसे पूरी तरह से ड्राई किया है। अगर ये पूरी तरह से ड्राई हो जाएगा तो जब आप इसमें बिरयानी बनाएंगे तो बिरयानी हो सकता है नीचे से जल जाएगा, इसलिए हमने इसमें थोड़ा थोड़ा ग्रेवी रखा है। अब हम बिरयानी का लेयरिंग करेंगे, इसके लिए हम डाल रहे हैं थोड़ा सा कोरिएंडर लीफ, मिंट लीफ, थोड़ा सा फ्राइड ऑनियन। अब हम इसमें ऐड करेंगे राइस, फिर से हम इसके ऊपर डालेंगे फ्राइड ऑनियन, कोरिएंडर एंड मिंट लीव्स। फिर से ऐड करेंगे हम राइस, या बिरयानी का सेकंड लेयर है। फिर से हम ऐड करेंगे थोड़ा सा फ्राइड ऑनियन। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा सैफ्रॉन वाला पानी। सैफ्रॉन को हमने पानी में भिगो कर रखा था, आप चाहें तो इसकी जगह फूड कलर का भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा चॉप्ड कोरिएंडर और मिंट लीव, थोड़ा सा हम इसमें डाल रहे हैं घी, 2-3 ग्रीन चिल्ली, रोस्टेड काजू, अब हम इसको कवर करके लो फ्लेम पे 15 से 20 मिनट के लिए कुक होने देंगे। 15 मिनट बाद हम लीड हटाकर देखेंगे तो आप देख सकते हैं बिरयानी जो है हमारा बहुत ही अच्छे से कुक हुआ है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे सर्व करेंगे। हम आपको नीचे से बिरयानी को निकाल कर दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छा हुआ है और जला भी नहीं है। तो आप इसे ट्राई करें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ओके, बाय, मिलते हैं फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।